जब से सोलन शहर के साथ लगती 8 पंचायतों को सोलन नगर निगम में शामिल करने की नोटिफिकेशन हुई है, तब से सोलन भाजपा में काफी उथल पुथल चली हुई है। गांव नगर निगम में शामिल नहीं होने चाहिए, इसको लेकर किसान संघर्ष समिति बनाई थी, जिसमें भाजपा नेता कांति स्वरूप प्रधान थे। उनके साथ भाजपा अन्य 5 प्रधान भी शामिल थे। संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके चलते भाजपा द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो इसे बचने के लिए प्रधान कांति स्वरूप ने 4 प्रधानों के साथ समिति से इस्तीफा दिया और संघर्ष समिति को ही भंग करने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर गाँव वासियों में खासा रोष देखा जा रहा है। इसलिए उन्होंने संघर्ष समिति की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया, जिसका अध्यक्ष अब किरण किशोर को बनाया गया है। वहीं संरक्षक भाजपा वरिष्ठ नेता और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य नेत्र सिंह को संरक्षक बनाया गया है और ये ऐलान कर दिया है कि उनका संघर्ष पहले की तरह जारी रहेगा और वे अपने गांव की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। भाजपा वरिष्ठ नेता नेत्र सिंह ने नगर निगम के मुद्दे को लेकर भाजपा की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि किसान संघर्ष समिति से जुड़े भाजपा नेताओं ने मौके पर किसानों का साथ छोड़ दिया है, जिसका असर उन्हें आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। गांववासी इसका जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को छोड़ने के लिए भाजपा ने कुछ नेताओं को पदों से नवाजना भी आरंभ कर दिया है, लेकिन उन्हें किसी पद की आवश्यकता नहीं है। वे किसानों का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और न ही नगर निगम के लिए गाँव की जमीन छोड़ेंगे। हमारे को नगर निगम में मिलने से नुकसान है जी। जब इसकी कमेटी की आबादी 40 आ रहे और 11 की गणना है, वो अगर दो अब की गणना की जाए तो मेरा ख्याल 70 से ऊपर टपती है जी। तो ये कमेटी में ही नगर निगम बनाए, गांव की कोई भी आबादी नगर उसमें नहीं ली जाए। लेकिन जैसे आपके प्रधान से जो प्रधान है, हाँ जी, वो जा चुके हैं, क्या करना के थे। वो हमारी पार्टी के थे, उनको कुछ भाई सरकार ने एक तो कुछ बना दिया है मदन मेहते को, शायद उनको भी प्रोत्साहन दिया होगा भी उनको भी बढ़ाएंगे तो उससे चले गए, तो इसलिए उनको लालच थोड़ा बहुत दिया ही होगा कुछ ना कुछ पार्टी वालों ने। हमारे को पद चाहिए नहीं, हमारे को तो जनता चाहिए और गांव के लोग चाहिए। लोगों को नुकसान है ना जी इसमें, किसानों को ऊपर टैक्स जितने बढ़ जाएंगे। अभी तो ये टाउन प्लानिंग ही लगा, इससे भी लोग नाखुश है क्योंकि एक उसके NOC लेने के लिए 20-20 चक्कर लगाने पड़ते थे, तो जब नगर निगम बन जाएगा तब तो मेरा ख्याल 50-50 चक्कर लगाने पड़ेंगे और टैक्स इतना लग जाएगा और जो हमारी शामदार भूमि है ये सब सरकार लीज पे दे देगी। क्या आपको ये भी लगता है कि आगे चुनाव भी आने वाले हैं, उसका फर्क भी पड़ेगा, इसलिए जो 5-4 जो प्रधान थे वो छोड़ गए उन्होंने किसानों का साथ छोड़ दिया, ठीक है उनकी समझ ऐसी है, लेकिन 3 महीने बाद उनको जनता बिल्कुल सबक सिखाएगी भी तुमने हमारा साथ छोड़ा है तो हम भी तुम्हारा साथ कैसे छोड़ेंगे।